हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मच डिशेस। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाला बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट मॉर्निंग के लिए। तो ये भी हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल ले लिया, इसको गर्म होने देंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे राई, 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा, फिर 2 पिंच डालेंगे हींग। हींग के बिना तो ये अधूरा सा रहता है ब्रेकफास्ट और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फिर 8 से 10 काजू डाल दिए हैं। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चना की दाल, 1 टेबल स्पून उड़द दाल, और फिर इसमें डालेंगे थोड़े से पीनट। इन सारी चीजों को अच्छे से चलाते हुए इनको 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्विक नाश्ता है। तो ये भी हमने 2 सूखी लाल मिर्च लिए, 2 हरी मिर्च लिए। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है। इनको भी अच्छे से 2 से 3 सेकंड तक पका लेंगे। फिर इसमें डालेंगे करी पत्ता, करी पत्ता से टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छे आते हैं। इसको भी 2 से 3 सेकंड तक पका लेंगे इस तरह से। फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक आप अपने इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये भी हमने 1/2 टीस्पून नमक डाला है और सारे मसालों को 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से पका लेंगे। और पकाने के बाद इसमें डालेंगे बॉइल्ड राइस, आप इसमें बॉइल किए हुए राइस डाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास बचे हुए भी रखते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये भी हमने बॉइल करके पहले से रख लिया था। ये आप देख सकते हैं पके हुए चावल है, इनको डाल देंगे और डालने के बाद सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावल। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, खासकर बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तो ये भी हमारे सारे चावल अच्छे से मसालों में मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 लेमन, 1/2 लेमन का मतलब 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें लेमन जूस, और डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये भी हम बना रहे हैं लेमन राइस। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, झटपट से बन के भी तैयार हो जाते हैं। ये भी मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। सर्व कर लेंगे, आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी